Ricky Deals, Ali on Park Wheels. सामने पार्क विल वेलकम टू पार्क विल मेरा नाम सुनील मांझा है एक और यूजर रिव्यू सीरीज में पार्क विल के साथ खुश आमदीद। आज हम एक भाई साहब के पास मौजूद है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद है इनके पास, लेकिन शुक्र है इनके पास टोयोटा की यारिस नहीं है। दो चीजें मुझे नहायत फारिक लगती है, एक टोयोटा की यारिस और दूसरा ये सिंगर है फारिस। और इनके पास स्पोर्टेज भी नहीं है, क्योंकि स्पोर्टेज इन्होंने ली थी लेकिन उसकी वजह से मॉर्गेज हो गया इनका सारा। जो मकान है ना आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सारा मकान ये मॉर्गेज हो गया है स्पोर्टेज के पीछे। तो आप सारे वो गलती कभी भी ना कीजिएगा, बड़ी प्यारी प्यारी गाड़ियां मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे लेकिन बहुत थोड़ी बात करेंगे, ज्यादातर मैं ही आपके साथ बात करता रहूंगा। इनको हमने बस ऐसे ही साथ चश्मा पहना के खड़ा कर दिया, इनको लगता है ये कि ये ज्यादा बातें करेंगे लेकिन ज्यादातर कन्वर्सेशन मैं ही आपके साथ करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गाड़ियां इनकी, थोड़ा सा इनकी बातें भी हमें सुननी पड़ेंगी, क्या करें मजबूरी है मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर अब देख सकते हैं इनके पियानो ब्लैक में भी इनके पास गाड़ियां हैं और बड़ी इनके अच्छे सजेशन के साथ गाड़ी थी। सामने जो दो खड़ी हैं ये एक जमाने में मेरे पास भी होती थी, इनफैक्ट ये सारी गाड़ियां जो मेरे पास है इनको कुछ नहीं पता गाड़ियों के बारे में, सब कुछ मुझे पता है। सामने को क्या हाल है, अच्छा मुझे ये बताया कि ये जो पहले आपने पीछे गाड़ी खड़ी की हुई है ये तो मेरे पास ही होती थी, तो अब आपके पास ये कहां से आ गया। अच्छा चले रहने दे, मुझे लगता है ये वाली गाड़ी के बारे में मुझे बताएं, इस वाली गाड़ी का परचेज डिसीजन क्या था, इतना घटिया कलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तो आपने ये खरीद ली है। मतलब कि एक बंदा कोई सेंस होती है, कोई स्टेबिलिटी होती है, साथ उसके प्राडो क्रूजर खरीदी है, लेकिन क्रूजर जो है मुझे लगता है बड़ी अच्छी गाड़ी है, गाड़ियों का खोता होती है। अच्छा आप तो वैसे माशाल्लाह बोलना शुरू हो गए, मैं सामने से एक मिनट में जरा कुछ बीच में इंटरप्ट करता हूं आपको ताकि मेरी भी बोलने की बारी आए।